हेलो फार्मर्स, आपका और एक नए फार्मिंग के वीडियो में स्वागत है। चलिए आज हम आपको बकरी पालन में बकरियों को ठंड से किस प्रकार से बचाया जाए सारी जानकारी देते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे बकरियों को रखने के लिए खेंदरियाँ की गई हुई है और खेंदरियों को किस प्रकार से जो घेराबंदी किया गया हुआ है जो प्लास्टिकों से, दर्रों से या फिर जो भी जालियां हैं उनसे घेर दिया गया हुआ है ताकि जो रात में ज़्यादातर ठंडे हवाएं चलती है और ठंडे हवाएं चलने से इनमें थोड़े से ठंडा लगता है। जो कि यहां पे अंदर में देख पा रहे होंगे पुआल भी दिया गया हुआ है और पुआल थोड़े गर्माहट महसूस करवाते हैं और ये जो टटरियाँ भी आप देख पा रहे होंगे इनको ज़्यादा ठंडे आ जाने के बाद यहाँ पर बिछा दिया जाएगा जो कि ये ऊपर में बैठ भी पाए, जो कि ज़मीन की थोड़ी नमी के कारण ठंडा लगता है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो कि खिंदरियों में, यहाँ पे सारी खिंदरियों में किक कर दिया गया हुआ है। और ऐसा इसलिए जब आप फार्म का निर्माण करें तो आप जो देख पा रहे होंगे जो कि यहाँ पे कितने ज़्यादा यहाँ पे वेंटिलेशन किया गया हुआ है। और वेंटिलेशन का फ़ायदा यह है कि गर्मियों में ज़्यादातर हवाएँ चलेंगी, आपके ज़मीन भी सूख जाएंगे और साथ ही ज़्यादा गर्माहट महसूस नहीं होगा और जो भी बीमारियां आने वाली रहेंगी यानी कि जो भी गंध या दुर्गंध, जो भी गैस उत्पन्न होगा वो इन हवाओं के माध्यम से निकल जाएगा। पर क्या है कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे ठंडे में थोड़े से दिक्कत होते हैं क्योंकि ज़्यादातर हवाएं चलती हैं। पर क्या है कि आप प्लास्टिक से घिराव कर सकते हैं जो कि वहाँ पे देख पा रहे होंगे किस प्रकार से चैनलों के माध्यम से ऊपर किया गया है, नीचे किया गया हुआ है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा डिटेल बता देंगे। यदि आप फार्म के निर्माण के बारे में सारी जानकारी जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो में कुछ भी जाकर कमेंट करें, यानी कि फार्म के निर्माण के बारे में वीडियो बनाएं या फिर कुछ भी जाकर कमेंट करें, हम डिटेलिंग फार्मिंग से, इस फार्म से रिलेटेड सारी जानकारी बता देंगे कि आपको फार्म का निर्माण कैसे करना है। क्योंकि हमने यहाँ पे इतने बड़े फार्म का निर्माण करके आपको सारे अनुभव हमारे पास है जो कि पुराने फार्म में भी किस प्रकार से आप देख ही चुके होंगे। तो फिलहाल यहाँ पे देख पा रहे होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारा खेंदरी है और खेंदरियों को पूरी तरह से घेर दिया गया हुआ जो कि हवाओं को ये कैद करता है। ऊपर में तो फिलहाल ठीक है पर यहाँ पे नीचे जो हवाएं चलेंगी वो थोड़े से गर्माहट महसूस करेंगे, मतलब हवाएं एक दूसरे से आर पार नहीं जा पाएंगे। देख पा रहे होंगे उधर भी हमारा उसी प्रकार से वेंटिलेशन किया गया हुआ है और साथ ही उसके बाहर हमारा बकरी पालन किया जा रहा है। चलिए उसको भी हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे बकरी पालन किया जा रहा हुआ है। और डिटेलिंग से वीडियो देख जानना चाहता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे बहुत से ऐसे वीडियो आपको मिल जाएंगे जो कि बकरी फार्म से रिलेटेड है। तो आप ठंडी में, और ठंडी में बचाने का चलिए फर्स्ट उपाय हम बताते हैं। फर्स्ट है कि आप खर्री अधिक मात्रा में दें, जो कि सरसों की खर्री होती है वह गर्माहट ज़्यादा उत्पन्न करती है। तो आप लगातार एक दिन छोड़ छोड़ कर भी दे सकते हैं, खरी का उपयोग कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस प्रकार से टटरियों का भी यूज कर सकते हैं, पोरों पवालों का भी यूज कर सकते हैं और इस प्रकार से घेराबंदी भी करके आप ठंडे के दिनों में बकरियों को बचा सकते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए अंदाज के साथ।